मुरादाबाद महानगर के लाल बाग क्षेत्र में नवरात्र के अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी काली के मंदिर पर सुप्रसिद्ध सामाजिक संस्था शहर अमन कमेटी की तरफ से नवरात्रि मेले में कैंप लगाया गया, जिसमें शहर अमन कमेटी के संस्थापक एवं प्रदेश अध्यक्ष इरशाद हुसैन द्वारा लगभग 40 वॉलेंटियर्स की ड्यूटी लगाई गई थी। शहर अमन कमेटी के इन सभी स्वयं सेवकों ने फुल ड्रेस कोड के साथ और पूरी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम दिया। इस बाबत जानकारी देते हुए शहर अमन कमेटी के महानगर अध्यक्ष एवं युवा समाज सेवी गुलाम साबिर ने बताया कि उनकी कमेटी हर पर्व और हर त्यौहार के मौके पर अपना कैंप लगाती है और शांति व्यवस्था, यातायात व्यवस्था तथा अन्य व्यवस्थाओं को बनाए रखने में पुलिस व सिविल प्रशासन का पूर्ण सहयोग करती है। गुलाम साबिर ने इस मौके पर नागरिकों से ये अपील भी की कि वो सभी त्यौहार आपसी मेल मिलाप, भाईचारे और प्यार मोहब्बत के साथ मनाएं तथा मुरादाबाद की गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाने का काम करें। गुलाम साबिर ने बताया, हमारे कमेटी अध्यक्ष श्री इरशाद हुसैन साहब ने महानगर अध्यक्ष गुलाम साबिर को आदेश दिए कि आज लाल बाग में सभी पदाधिकारियों के साथ अपनी ड्यूटी करना, और हमने उनके आज्ञा का पालन करते हुए यहाँ महानगर अध्यक्ष अपनी पूरी टीम के साथ में और वॉलेंटियरों के साथ में लाल बाग काली के मंदिर के लगभग कितने वॉलेंटियर लगाए हैं यहाँ पे 30 से 40 लोग लगे हैं, राउंड पर हैं, कुछ कुछ यहाँ लग रहे हुए हैं। कैसी व्यवस्था रही यहाँ की? यहाँ की बहुत अच्छी व्यवस्था रही। शहर अमन कमेटी सभी धर्मों के त्यौहारों पर अपना कैंप लगाती है। शहर अमन कमेटी कल को भी रामलीला ग्राउंड लाजपत नगर में भी अपना कैंप लगाएगी, उसमें सभी वॉलेंटियर ड्यूटी करेंगे और यातायात पुलिस प्रशासन को अपना पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करती है। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? मैं शहरवासियों से यही अपील करना चाहता हूँ कि शहर में अमन और भाईचारा बनाए रखें, आपस में मिलजुल कर त्यौहार मनाएं। इस दौरान गुलाम साबिर के अलावा शाबेज़ खां, दानिश वारसी, उस्मान गनी, मोहम्मद सकलैन, मोहम्मद ज़ुबैर, महफूज आलम, मोहम्मद नाजिम, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद यामीन, मोहम्मद बबलू, मोहम्मद तौफीक, मेहंदी हसन, अली अहमद, वसीम अख्तर, नाजिम आदि भी मौजूद रहे।